जीएसटी को लेकर आज हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक ली है। इस बैठक में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, इनसे बातचीत करते हैं। जी कौशल जी, आज क्या बातचीत हुई है? एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग सारे हरियाणा में जीएसटी के संबंध में गोष्ठियां कर रहा है ताकि सभी लोगों को, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हों, चाहे वो ट्रेडर हों, किसी भी तरह का कारोबार करते हों, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जा सके। कोई उनके मन में संशय हो उसे दूर किया जाए, उन्हें किसी मदद की आवश्यकता हो वो भी मदद दी जाए। इसी कड़ी में आज एक गोष्ठी हमने हरियाणा निवास रखी थी। अगले आने वाले एक सप्ताह में हम हर ज़िले में इसी तरह की गोष्ठियाँ करेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को बुला रहे हैं हम, ट्रेडर्स एसोसिएशन को बुला रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ICAI उनकी संस्था है, उनको बुलाएंगे, और साथ में जो गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइडर हैं उनको भी हम बुला रहे हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उस इलाके के, वो भी उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा ताकि खुल के विचार विमर्श करें और प्रक्रिया में क्या क्या सुधार आया है या आएगा वो सब भी उनसे साझा करें। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ बैठक की थी। कौशल साहब, आज की जो बैठक हुई है उसमें कोई अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं? और दूसरा, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है? अगर जिनकी रजिस्ट्रेशन रह गई है उनको क्या करना होगा? देखिए, अधिकारी हमारे सजग हैं, हम उनकी ट्रेनिंग पूरी करवा रहे हैं। पहले हमने मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन करवाए थे, उसके बाद उन मास्टर ट्रेनर्स ने आगे ट्रेनिंग दी है, तो काफ़ी ये ट्रेनिंग और उनको बताने का सिलसिला चल रहा है। हमने जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं बिजनेस के, वो भी आइडेंटिफाई किए हैं, उनके हमने सेक्टोरल ग्रुप्स बनाए हैं ताकि उस सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर हमारे अधिकारी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस और कैसे वो उनको फैसिलिटेट किया जाए, वो सारा कुछ कार्रवाई जो है हम कर रहे हैं। तो अधिकारी हमारे सजग हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, इसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। जहाँ तक आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, देखिए रजिस्ट्रेशन के कई हिस्से हैं। एक तो है कि जो हमारे वैट के पहले रजिस्टर्ड डीलर थे, 2,48,000 के करीब थे, उनमें से 76% तो माइग्रेट हो चुके हैं। और आप जानते हैं, आपने जिक्र भी किया, 20 लाख तक की जो टर्नओवर वाले हैं वो हमारे पुराने वैट जो रजिस्टर्ड डीलर्स थे उनमें से 44% थे, 20 लाख से कम टर्नओवर वाले। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, लेकिन अगर कोई डीलर इंटर स्टेट ट्रेड करता है, सप्लाई का काम करता है, या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता हो, या सप्लायर जिसका है वो लेना चाहता हो, तो उनको रजिस्टर करने से फायदा होता है। इसलिए इनमें से भी काफ़ी डीलर्स जिनकी 20 लाख टर्नओवर नहीं होगी वो भी रजिस्टर करते हैं, इसीलिए 76% आपको परसेंटेज दिखी। नहीं तो 44% 20 लाख से कम टर्नओवर वाले होने पे तो टोटल में से मैक्सिमम हमारा 56% ही रह जाता। तो वो रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन हो रही है। इसके अलावा जीएसटी में केवल वैट के पुराने डीलर्स नहीं, इसमें सेंट्रल एक्साइज के जो पुराने डीलर्स जो हरियाणा में हैं वो भी आएंगे। इसी तरह से जो सर्विस टैक्स असेसी थे उनमें से भी जो हरियाणा में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनकी भी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र माइग्रेशन पुराने पद्धति से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी वो प्रक्रिया चल रही है, उनकी भी 60-65% माइग्रेशन हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये संख्या और भी बढ़ेगी। बाकी इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, प्रोविजनल आईडी हो या वैसे भी पुराने डीलर हों या नए, अब रजिस्ट्रेशन 25 जून से दोबारा खोली गई है उसमें टाइम है, 1 महीना तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। माइग्रेशन के लिए भी 3 महीने का समय होता है, तो इसमें कोई भी पैनिक की या कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। मैं जैसे आमतौर पर कह देता हूँ, टैक्स देने वाले व्यापार करने वाले डीलर भी यहीं के हैं और टैक्स कलेक्शन मशीनरी भी यहीं की है, कोई ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को जानते ना हो या अचंभित हों इसके बारे में। कौशल साहब, एक व्यापारी बार बार मांग कर रहे हैं कि जो जीएसटी की 24A क्लाज है उसको हटाई जाए।
ये क्या वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि इस क्लास को हटाया जाए? ऐसे हटाने वाली कोई डिमांड नहीं है मेरे ख्याल में, आपके समक्ष थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई है। जो बात आती है 20 लाख रुपए तक के डीलर को ITC का बेनिफिट मिले, चाहे वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई करता हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी की बातें हैं टैक्स की। वो ऐसा कुछ डिमांड नहीं है मेरे ख्याल में, किसी आदमी ने आपसे बात ऐसे कर दी होगी जिन्हें प्रक्रिया का ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कौशल साहब, व्यापारियों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी जो आपने जारी किया है, या इसके अलावा अगर उनको कोई दिक्कत होती है किस अधिकारी से संपर्क करें ताकि ये दिक्कत ना हो और GST आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाए? देखिए, हेल्पलाइन नंबर तो हमारा हर जो डिस्ट्रिक्ट में DETC का दफ्तर है और जो वहाँ पे वार्ड ऑफिसर्स हैं, ETOs, वो सारे के सारे लोगों को गाइड करने, फैसिलिटेट करने के लिए हैं। कोई भी हमारा नंबर एक तरह से हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट के जरिए भी मदद ले सकते हैं। भारत सरकार की CBEC ने भी हेल्पलाइन बनाई है, हमारे हर दफ्तर में हमने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। थैंक यू कुलदीप साहब हमारे साथ बातचीत करने का। ये थे मेरे साथ हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनका कहना है कि GST के लिए हम बैठ के बुला रहे हैं और गोष्ठी कर रहे हैं, और ये सिलसिला आगे जिला मुख्यालयों तक भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है, अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत आ रही है तो जितने भी DTC हैं उनका नंबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।